अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ। वैसे तो सबसे पहले बिरयानी की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर डाली है खूब सारी। उसका सारे रेसिपीज का एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहां चेक कर लीजिएगा। खूब सारी रेसिपीज है, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। सीरीज हमने शुरू की है तो मजेदार से बनाएं घर पर, और मुझे दुआओं में भी याद रखें। अच्छा, तो चलिए आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई टिक्का बिरयानी। बहुत ही मजेदार बनती है, बहुत ही इजी, हाजिर मसालों से झटपट बन जाएगी। अच्छा, इसे आप चिकन मलाई टिक्का बिरयानी कह सकते हैं, मलाई चिकन टिक्का बिरयानी कहें, वाइट बिरयानी कहें, जो कहना है कहिए, टेस्ट वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, टेस्ट एकदम बढ़िया सा मजेदार सा मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं क्विकली ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, सबसे पहला स्टेप मैरिनेशन का है। ये 750 ग्राम चिकन है, बोनलेस है, और इसके मैंने मीडियम से बड़े पीस किए, धोई हुई है, 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर नेताने साइड पर रख दिया गया था। अब इसे एक बाउल में डालें, नमक डाल दें स्वाद अनुसार, एक छोटे चाय का चम्मच सफेद मिर्चों का पाउडर डाल दें, एक छोटे चाय का चम्मच मिर्च जो हरी मिर्च आती है उसका पेस्ट डाल दें, मैंने इसे क्रश कर लिया था मिर्चों को, दो छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून फ्रेश मलाई डाल दें। वैसे ये पैकेट की है, आप चाहें तो घर की दूध की मलाई आती है उसे पहले फेंट कर फिर डालिएगा। आधा नींबू का रस निचोड़ कर डाल दीजिए और 4 टेबलस्पून गाढ़ी दही फेंट कर अच्छे से डाल दीजिए इसके अंदर, मिक्स कर लीजिए। और मैं ना यहाँ 1 टेबलस्पून 1/4 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल रही हूँ, उससे क्या सॉफ्टनेस आएगी चिकन में। और इसे मैरिनेट करने ढक कर फ्रिज में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए साइड पर, या जितना आपके पास समय हो उतने समय के लिए। चलिए, तब तक दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ही तेल डालिएगा, ज़्यादा नहीं। उसमें 2 मीडियम साइज की प्याज को ना मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये जो प्याज है ना कच्ची पक्की नहीं हो जाती। चूल्हा मीडियम रखिएगा, जब कच्ची पक्की हो जाए तो यहाँ मैंने 50 ग्राम काजू डाल दिए हैं और इसे भी आधे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। आधा 1 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए नितारने के बाद और साइड पर रख दीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाता है तो मिक्सर जार के अंदर इन्हें डाल दीजिए। इसके साथ थोड़ी सी धोई हुई पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। आप चाहें तो मिर्चियों को भी डाल सकते हैं, बट मैंने मिर्चियां इस समय नहीं डाली। और थोड़ा सा आप चाहें तो पानी या मेरी तरह दूध डालकर इसे बहुत अच्छे से इस तरीके से पीस कर इसे साइड पर रख दीजिए। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डालें और 1-2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दें, पिघल जाए। तो ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके साइड पर रखी है सारी डाल दें मैरिनेशन के साथ और इसे मीडियम आंच पर 6-7 मिनट तक उलट पलट करते हुए पका लें। आप जब तक उलट पलट करते हुए पकाएंगे ना तो इसका ऑलमोस्ट पानी सूख जाएगा। जब इस तरीके से ऑलमोस्ट पानी सूखे, चूल्हा स्लो आंच करके इसे ढक कर 5-6 मिनट पकने दीजिएगा। तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं हो जाती। 5-6 मिनट हो जाए खोलकर चेक कर लीजिए पहले तो चिकन हो गई है कि नहीं। अब जब चिकन हो जाती है तो यहाँ 2 तरीके हैं, चूल्हा मीडियम आंच या फास्ट आंच करके पूरी तरीके से इसका पानी सुखा लीजिए, उलट पलट करते हुए डार्क स्पॉट्स ले लीजिए और बहुत अच्छा सूख जाए और डार्क स्पॉट्स आ जाए दोनों ओर से तो चूल्हा कर दीजिए बंद। बट मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, इस समय थोड़ा सा ही मैंने पानी सुखाया और इसका चूल्हा कर दिया बंद और इसे एक सीख, मतलब ये जो स्टील की लकड़ी है इसमें मैं डाल देती हूँ, इसे सीख कहते हैं, इसमें मैं डालकर इसे बहुत अच्छे से डायरेक्टली गैस के ऊपर ग्रिलिंग प्लेट के ऊपर रखकर ग्रिल कर लेती हूँ तो बाहर जैसा इफेक्ट आता है तो अच्छा लगता है। चलिए, मैंने सारे कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। सेम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बहुत अच्छे से भूनिए। अच्छा, अरे गरम मसाला तो डालना ही भूल गई, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 2 लौंग, 2-3 काली मिरी, 1 डाल दी दालचीनी की और 1 तेज पत्ता डालकर चूल्हा जल रहा है तो मैं यहाँ पहले अदरक लहसुन को भून लेती हूँ कि कच्चेपन की खुशबू इसकी ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसी के दरमियान मैं 1/2 छोटे चाय का चम्मच जीरा है ना वो भी डाल देती हूँ। मिक्स कर लीजिए, जब कच्चेपन की खुशबू चली जाए अदरक लहसुन के पेस्ट की तो ये जो हमने मसाला बनाकर साइड पर रखा है ये भी डाल दीजिए। इसे एक बार चला लीजिए और ये जो जार है ना उसके अंदर 1/4 कप पानी डालकर उसमें से चलाकर इसमें डाल दीजिए ग्रेवी में और इसे बार बार चलाते रहें और 2-3 मिनट तक इसे भूनिए। मीडियम आँच कर दीजिए लेकिन मैं थोड़ा सा स्लो आँच पर रख रही हूँ क्योंकि मेरी पतीली बहुत पतली है, बहुत जल्दी लग जाता है, चिटक जाता है। तो चलिए 2-3 मिनट हो जाए तो यहाँ डाल दीजिए 1/4 कप जितनी सबसे पहले तो मलाई, आप चाहें तो फ्रेश मलाई मेरी तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर जो दूध के ऊपर की मलाई होती है उसे फेंट कर फिर डालिएगा।
और आधा कप दही भी डाल दीजिए। 3 टेबलस्पून मायोनीज डाल दीजिए। 2 चीज़ को खुरच कर डाल दीजिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हा स्लो पर ही है, पहले सारी चीज़ें डाल देते हैं फिर मीडियम करेंगे। और इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मैं अभी मीडियम कर देती हूँ। नमक डाल दीजिए क्योंकि हमने नमक तो डाला ही नहीं है, तो मैं यहाँ 1/2 या 3/4 छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ। अब यहाँ पर स्वाद अनुसार 1/2 या 1 छोटा चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे 1-2 मिनट तक पकने दीजिए। जब 1-2 मिनट मीडियम आंच पर पक जाए तो ये हमने जो चिकन को ग्रिल करके रखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी चिकन डाल दीजिए और इसे एक बार चला लें, मिक्स कर लें। और जो भी जो आपकी पतीली में वो सारा डाल दीजिएगा हाँ। और इसे मिक्स करने के बाद स्लो आँच पर ढक कर 1 या 2 मिनट ही पकाएं और उसके बाद बंद कर दीजिए। अच्छा, बची कुची मिर्चों का पाउडर था मैंने वो भी डाल दिया, ये ऑप्शनल है, आप मत डालिएगा, ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। मिक्स कर लीजिए। अब एक स्टील की बाटी रखकर गरम गरम लाल कोयला डाल दीजिए, उसके ऊपर तेल घी या मक्खन डालकर कोयले का टांडा दे दीजिए और क्विकली ढाक दीजिएगा उसी समय, और कुछ वजन रख दीजिए। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसी तरीके से रहने दीजिए। जब 5-10 मिनट हो जाए तो ढक्कन खोल कर इसे, ये जो आपकी बाटी है ये हटा दीजिए और कोयले को फेंक दीजिए। अब हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं बिरयानी की। तो एक पतीली के अंदर नीचे सबसे पहले मैं घी एज अ बेस लगा देती हूँ, आप चाहे तो तेल भी चारों ओर स्प्रेड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बिरयानियों के चावल बॉईल करे हुए की लेयर लगा दीजिए, जैसे हम बिरयानी के चावल बनाते हैं वैसे बनाकर उसकी लेयर लगाइएगा। और उसके बाद ये जो चिकन का हमने मसाला बनाया है ये सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और थोड़ी सी बिरिस्ता ऊपर से डाल दीजिए, थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया, थोड़ा सा फुदीना भी डाल दीजिए। और उसके बाद बाकी के जो बचे हुए हमारे ये हैं चावल, ये सारे की पूरी लय लगा दीजिए और थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दीजिए। 3-4 टेबलस्पून असली घी के डाल दीजिए चारों ओर। 1/2 कप दूध में चारों ओर चावल के ऊपर फैला कर डाल रही हूँ, सो दैट चावल अच्छे और खिले खिले से बने और अच्छे दम पर आए, तो अच्छे से पक जाए। स्लो पे चालू कर दिया चूल्हा। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा पुदीना, थोड़ा सा बिरिस्ता डालकर इसे ढक कर स्लो आँच पर दम पर 15-20 मिनट पकने दीजिए। मैंने स्लो पर है ना पहले तवा भी गर्म करके तवे के ऊपर रख रही हूँ 15-20 मिनट के लिए हाँ। 15-20 मिनट के बाद जब अच्छा भाप फूटने लगी तो मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, और अब मैंने 10 मिनट के बाद इसे खोला है। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सी मज़ेदार सी हमारी मलाई चिकन टिक्का बिरयानी बन चुकी है, मज़ेदार सी बोनलेस से चिकन की हमने बनाई है। इसे गर्मा गर्म निकाले प्याले में प्लेट में और इसे सर्व कर रहे हैं। मैं दही फ्लेवर वाले दही के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, पहले देखते तो जाइए टेस्ट कैसा है। तो मैं हमेशा आपको खा के दिखाती हूँ, आज भी टेस्ट करके देखते हैं कि बनी कैसी है आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजेदार, आवाज ही नहीं कर रही मैं, इतनी मजेदार है। खाएंगे तो सच्ची में इसमें तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। बहुत ही बढ़िया है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।